इसके पिछले क्लासेस में हमने देखा कि कैसे कंपाउंड पेंडुलम वर्क कर रहा है और मैक्सवेल नीडल कैसे काम कर रही है। आज के एक्सपेरिमेंट की क्लास में हम देखेंगे कि फ्लाईव्हील का एक्सपेरिमेंट कैसे होगा और उसमें क्या क्या सतर्कता बरतनी है, उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे हम डेटा लेंगे, उस डेटा का उपयोग करके कैसे हम कैलकुलेशन तक जाएंगे। तो जैसा मालूम है कि फ्लाईव्हील का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फ्लाईव्हील का जो ऑब्जेक्ट है वो आपके सामने दिख रहा है। जो फ्लाईव्हील का ऑब्जेक्ट है वो है टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ फ्लाईव्हील अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या हुआ कि जो एक्सिस है वो मतलब जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है फ्लाईव्हील, उसी एक्सिस के अबाउट इसके मोमेंट ऑफ इनर्सिया को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। सेकेंड थिंग, आप इसमें क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या एपरेटस की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो मुख्य रूप से आपको वर्नियर कैलिपर्स चाहिए, वेइंग बॉक्स चाहिए, उसको सीधे सीधे वेट बॉक्स के रूप में आप लिखा गया है, थ्रेड लिखा गया है, धागा, स्टॉप वॉच और मीटर स्केल। इसका मतलब ये हुआ कि एपरेटस को देख करके आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि मुख्य रूप से हमें पूरे के पूरे फ्लाईव्हील के डेटा को लेने के लिए जो है वो तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना होगा। एक मीटर स्केल, दूसरा आपका वर्नियर कैलिपर्स और तीसरा आपका स्टॉप वॉच, मतलब लीस्ट काउंट हमें तीन एपरेटस की निकालनी है। अब मीटर स्केल के लीस्ट काउंट की अगर आप बात करें तो ये चर्चा हमारी पहले हो चुकी है कि अगर आप मीटर स्केल को देखेंगे तो उसमें एक सेंटीमीटर 10 स्मॉल डिवीजन्स में डिवाइडेड पाया जाएगा, तो एक स्मॉल डिवीजन की जो वैल्यू पाई जाएगी वह 1 मिलीमीटर यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, ये आप जानते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि क्या होता है लीस्ट काउंट, तो कहा जाता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर जो मिनिमम वैल्यू आप पढ़ पा रहे हैं वही उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। कैसे निकालते हैं उसके लिए आपने सिंपलेस्ट मीटर स्केल से आगे अपनी बात को किया तो आपको मालूम चला कि मीटर स्केल पर सिर्फ एक ही स्केल है, तो उस स्केल पर आप ये देखते हैं कि इस स्केल पर एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू कितनी आ रही है। तो जो 1 स्मॉल डिवीजन की वैल्यू होगी वह उस मीटर स्केल का लीस्ट काउंट होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो, फॉर एग्जांपल आपके सामने वर्नियर कैलिपर्स ही है जिसमें आप 2 स्केल पा रहे हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल, तो इस सिचुएशन में इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, तो आप कहते हैं कि सबसे पहले हम मेन स्केल के 1 स्मॉल डिवीजन्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और फिर हम वर्नियर स्केल पर कितने ब्लॉक्स बने हुए हैं, कितने मार्क बने हुए हैं, वो संख्या गिनते हैं। मेन स्केल के 1 स्मॉल डिवीजन की वैल्यू में अब जितना वर्नियर स्केल पर मार्क्स बना हुआ है उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाती है हमारी इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट। तो एग्जैक्टली लिस्ट काउंट क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मेन द वैल्यू ऑफ 1 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या होता है, लिस्ट काउंट पढ़ने का तरीका होता है। इसके पहले टीवी क्लास में हमने स्क्रू गेज के लिस्ट काउंट पर भी चर्चा कर रखी थी और हमें जो जानकारी मिली है उस जानकारी को बस हमने एक रिवाइज किया है और अब इस रिवीजन के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सेकंड थिंग, आप क्या देखते हैं, तो अपने लिखने के फॉर्मेट को पूरा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप तीसरे नंबर पर फार्मूला यूज लिखते हैं कि किस फार्मूले का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और फार्मूला यूज में आपके सामने जो फार्मूला है वो दिखाई दे रहा है। अब इस फार्मूले को अगर आप देखेंगे तो I = mg/8π² (n₂ (n₁+n₂) - mr² (1+n₁)² है। यहाँ पर r क्या है, तो आप देख सकते हैं रेडियस ऑफ द एक्सिल ऑफ द फ्लाईव्हील, m क्या है मास अटैच्ड ऑफ द स्ट्रिंग, h क्या है लेंथ ऑफ द थ्रेड रैप्ड, n1 क्या है नंबर ऑफ टर्न थ्रेड इज रैप्ड, k
कितने धागे को कितनी बार लपेटा गया है, एन टू क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फ्लाईव्हील मार्क्स बिफोर या मेक्स बिफोर एट रेस्ट। अब ये जो है इस एन टू की बात करें तो हम लिखे हैं कि कितना ऑसिलेशन या कितना चक्कर के बाद वो व्हील रुकेगा उसको गिनना है। लेकिन चूंकि आपके पास टाइम की कमी अगर है तो इसका एक तरीका ये भी अल्टरनेट है कि आप एक डेफिनेट रोटेशन को दिमाग में बना लें कि इतना रोटेशन लगभग हम चलेंगे और उतने रोटेशन को आप रखें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 20 रोटेशन को आप गिनना चाहते हैं, तो 20 रोटेशन को अगर आप गिनना चाहते हैं तो आप पाएंगे कि 20 रोटेशन के लिए संख्या को गिनिए और टाइम को वहीं रोक लीजिए, तो आप पर क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। क्योंकि 20 अगर इक्वली हम ले रहे हैं तो हम पाते हैं कि बहुत कोई समस्या नहीं आती। तो ये तो आपका फार्मूला यूज रहा। इस फार्मूला यूज के बाद प्रिंसिपल इन्वॉल्व, कौन सा प्रिंसिपल उसमें काम कर रहा है, तो हर एक एक्सपेरिमेंट में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रिंसिपल जरूर से होना चाहिए कि क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो रहा है, कैसे फ्लाईव्हील का पहिया यहाँ रोटेट कर रहा है। तो जैसा आपको मालूम है कि ये थियरी की क्लासेस में हमारी बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज कर दूं, तो आप कहते हैं कि जब आप वेट को सस्पेंड करके छोड़ते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो लॉस का क्या होता है, लॉस होता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन शुरू होता है। वो कन्वर्जन बेसिक रूप से तीन भागों में होता है, पहला काइनेटिक एनर्जी, दूसरा व्हील की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और तीसरा जो होता है वो फ्रिक्शन का पार्ट होता है। इसलिए आप कहते हैं कि जो इसकी लाइन आती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कि चूंकि आप कहते हैं कि एनर्जी कंजर्व होती है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप सीधे तौर पर इस बात को कहते हैं कि एम जी एच, अगर एच हाइट है उस वेट की पृथ्वी से तो एम जी एच उसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और प्लस जो आपका तीसरा फैक्टर होता है वो होता है जो आपका फ्रिक्शन का फैक्टर होता है। इस तरह से आप, यही मेन लाइन होती है, इसी लाइन से आप आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके इस फार्मूले को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम थ्योरी की क्लास में देख चुके हैं, इसलिए इसका डिटेल यहाँ बात नहीं करने जा रहे हैं। फोर्थ नंबर पर आप कहते हैं कि ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि एक से अधिक ऑब्जर्वेशन लेना है इसलिए ऑब्जर्वेशंस की बात की गई। पहला ऑब्जर्वेशन किसके लिए लेना है, तो एच के लिए लेना है, एन वन के लिए लेना है, एन टू के लिए लेना है और टी के लिए लेना है। इसके लिए आप टेबल बना हुआ है आपके सामने। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमें रेडियस ऑफ द एक्सेल के लिए लेना है, उसका भी टेबल आपके सामने बना हुआ है। और क्योंकि टी वहां लिखा हुआ है इसका मतलब आप स्टॉपवॉच का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉपवॉच आप वहां देख रहे होंगे। जस्ट वैसे ही टेबल बी में आप देख रहे हैं कि आप एक्सेल के डायमीटर को पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको वर्नियर कैलिपर्स की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए आपने वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट वहां लिखा है। सेकेंड थिंग, जीरो एरर भी मैंने लिखा है आपको फिर से याद दिलाने के लिए कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट को देखें कि क्या आपका इंस्ट्रूमेंट जिससे आप मीजर करने जा रहे हैं वो परफेक्ट है या नहीं है। अगर जीरो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड करता है, इट मींस दैट कि आपका जीरो एरर जीरो है। अगर ऐसा लगता है कि वो कुछ आगे है, इसका मतलब हर रीडिंग में से उतना घटाना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि वो पीछे है, तो इसका मतलब हर रीडिंग में उतना जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है, ये पूरी बात समझ में आनी चाहिए। इस सारे टेबल को पूरा करने के बाद हम कैलकुलेशन के पार्ट में जाते हैं और लॉगरिथमिक मेथड से कैलकुलेशन को पूरा करते हैं, ठीक है। थर्ड चीज, कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबल एरर निकालेंगे। इसका भी मैंने तरीका आपको बताया था और मैं थियरी की क्लास में बता चुका हूँ कि आपको जिस भी फार्मूले का आपने यूज किया है उस फार्मूले से मोस्ट प्रोबेबल एरर की ओर जाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लॉग लेंगे, लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि कौन कौन सी क्वांटिटी ऐसी थी जो क्वांटिटी आपने मीजर किया है, पढ़ा है, और कौन सी ऐसी हैं जो आपको डायरेक्ट दी गई हैं। जो डायरेक्ट दी गई है उसका डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि वो तो कांस्टेंट आप मान लेंगे, लेकिन जिसको आप पढ़ रहे हैं उसमें एरर हो सकता है, तो उसका आप वहाँ लीस्ट काउंट
उस यूज करते हुए मोस्ट प्रोबेबल एरर की ओर चलेंगे। शॉर्ट रूप से जो फार्मूला आता है वो मैंने आपके सामने लिख रखा है कि इसका आप उपयोग करते हैं। कैलकुलेशन मोस्ट प्रोबेबल एरर के बाद बारी आती है रिजल्ट की, और रिजल्ट में आप कहते हैं कि जो कैलकुलेशन से आया हुआ रिजल्ट है वह प्लस माइनस जो मोस्ट प्रोबेबल एरर से DI की वैल्यू आएगी वह, और दोनों को ब्रैकेट में बंद करने के बाद उसकी यूनिट, क्लियर है। इस तरह से रिजल्ट लिखा जाएगा और लास्ट जो हेडिंग होगी वो होगी सोर्स ऑफ एरर एंड प्रिकॉशंस, कहाँ कहाँ सतर्कता बरतनी थी और कहाँ कहाँ से गलत होने की चांसेस थी, क्लियर है। तो आप सभी अपनी कॉपी को चेक कर लेंगे, कुछ इसी तरह की चीजें आप भी लिखे होंगे। और ये तो हमारी एक बार ब्रीफिंग रही कि जो हम करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। अब रीडिंग की तैयारी की ओर बढ़े, रीडिंग की तैयारी की ओर बढ़े, उसके पहले एक बार सभी लोग आप लोग अपनी कॉपी को जांच लीजिए कि क्या आपकी कॉपी कुछ इसी तरह से लिखी गई है कि नहीं, एक बार कॉपी ले जाइए। वाह, सभी लोग देख रहे हैं कि कुछ इसी तरह की चीजें आप सभी अपनी कॉपियों में लिखे होंगे, और अब हम उस डेटा को फिल करने का प्रयास शुरू करते हैं। और जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके लेबोरेटरी में कुल 4 फ्लाईव्हील नजर आ रही हैं, 2 आपके सामने उस तरफ हैं, 1 उस कार्नर पर लगा हुआ है और 1 इस कार्नर पर लगा हुआ है, ठीक है। तो 4 फ्लाईव्हील आपको दिख रहा है कि आपको लेबोरेटरी में अभी करंट पोजीशन में दिखाई दे रहा है। तो हम निश्चित तौर पर अब देखने का प्रयास करेंगे कि शुरुआत करते हैं, लेकिन उस शुरुआत के पहले मैंने आपको लीस्ट काउंट से तो परिचय कराया, लेकिन एक बार मैं आपको इसको नजदीक से दिखाऊंगा। हालांकि ये 9th क्लास में आप थियरी के पार्ट को पूरा पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम 9th में जो हुआ है तो हुआ है और आज पर भरोसा करते हैं, क्योंकि कहा गया है कि अगर आप योजना बनाने के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि सबसे सफल योजना बनाने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो चाणक्य था, जिसने एक कहा जा सकता है सड़क के लड़के को सम्राट बनाया था। और अगर चाणक्य के बारे में अगर जानकारी हो तो चाणक्य कभी भी भविष्य पर नहीं विश्वास करता था, वो कहता था जिसका आज अच्छा होता है उसका कल अच्छा, इसलिए आज पर विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे हाथ में जो है ये वर्नियर कैलिपर्स है, इस वर्नियर कैलिपर्स पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक ये मेन स्केल दिखाई दे रहा होगा, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये कुछ महीन लाइनें यहाँ खींची हुई दिखाई देंगे। तो अगर थोड़ा सा कैमरे को जूम कीजिएगा तो आपको दोनों चीज़ें, ये आप देख रहे हैं ये मेन स्केल दिखाई दे रहा है और ये आपका वर्नियर स्केल दिखाई दे रहा है, इस वर्नियर स्केल, क्लियर है। तो ये 2 स्केल मिल गए। जैसा मैंने लीस्ट काउंट बनाने का तरीका बताया कि लीस्ट काउंट के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेन स्केल के 1 स्मॉल डिवीजन को देखेंगे। तो मेन स्केल पर सिंपल तौर पर आपको मीटर स्केल दिखाई दे रहा, सेंटीमीटर में स्केल्स दिखाई दे रहे हैं। सेंटीमीटर पर जो स्केल दिख रहा है उसमें आप देखिए ये 0 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, 0 और 1 के बीच में 10 स्मॉल डिवीजन्स बने हुए हैं। इसका मतलब जो वैल्यू आने वाली है मेन स्केल के 1 स्मॉल डिवीजन की वो आने वाली है 1/10, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब कोशिश करते हैं वर्नियर स्केल पर नंबर ऑफ डिवीजन्स को पढ़ने की, ताकि हम उससे डिवाइड करके फाइनल लीस्ट काउंट पा सकें। अगर आप वर्नियर स्केल पर डिवीजन्स को पढ़ पा रहे हो तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 डिवीजन्स आप देख सकते हैं वर्नियर स्केल पर कुछ यहाँ बने हुए दिखाई आपको दे रहे हैं। इसका मतलब हुआ जो लिस्ट काउंट की डेफिनेशन है उसके अनुसार नंबर वैल्यू ऑफ 1 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, तो 0.1 / 10 दैट इज 0.01 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो इस तरह से हमने एक काम को कर लिया कि हमें ये मालूम चल गया कि जो
वर्नियर स्केल आपका है, उस वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 सेंटीमीटर। इसी लगे हाथ जीरो एरर को भी जांच लेते हैं। अगर आप जीरो एरर को जांचने की ओर चलें तो आपका सेटअप कुछ देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये मेन स्केल का पहला डिवीजन देखिए, जीरो से जस्ट कोइंसाइड किया हुआ है, इसका मतलब हमारे सेटअप में कोई भी जीरो एरर नहीं है। अगर ये आगे या पीछे होता, जीरो से कोइंसाइड नहीं करता, तो हम कहते कि जीरो एरर है, और तब हम फाइनल रीडिंग जब पढ़ते तो या तो आगे होता या पीछे होता, उसके अनुसार हम जोड़ते या घटाते। अभी करेंटली हमारा जीरो एरर नहीं है, तो जीरो एरर नहीं है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 0. उतना अंक तक जीरो जितना कि लीस्ट काउंट है। क्लियर है, ये लिखने का तरीका होता है फिजिक्स में हर दफा। आप कभी भी, वन इज नॉट अलाउड इन फिजिक्स, वन इज ओनली अलाउड इन मैथमेटिक्स। वन का कोई एग्जिस्टेंस फिजिक्स में नहीं है। अगर हम मीटर स्केल पर वन पढ़ रहे हो तो 1.0 इज करेक्ट रीडिंग, समझे। 0.0 ये बता रहा है कि हम जिस स्केल पर पढ़ रहे हैं उस पर दशमलव के एक स्थान तक पढ़ सकते हैं। क्लियर बात, ये सब फिजिक्स की सतर्कता है, इसको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो एक इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट हो गया। स्टॉप वॉच पर भी चलिए पहले बात कर लेते हैं, फिर हम फाइनल सेटअप पर चलते हैं। स्टॉप वॉच पर हमारी बात हो चुकी थी, मैं फिर रिपीट करूंगा अपनी बात को। और जैसा आपको दिख रहा होगा कि स्टॉप वॉच आपकी कुछ है, इसी स्टॉप वॉच पर हमने इसके पहले भी दोनों एक्सपेरिमेंट को किया है, और आप देख सकते हैं इस स्टॉप वॉच में दो सुइयां हैं, एक बड़ी और एक छोटी। छोटी सुई जब तेज चल रही है जिस स्केल पर, उस स्केल पर देखेंगे तो एक वाइट ब्लॉक है और एक आप देखेंगे रेड ब्लॉक है। वाइट ब्लॉक पर जब सुई चलती है तो इसका मतलब है हमको बड़ी वाली सुई जो चल रही है वो ब्लैक वाली रीडिंग को पढ़ना है, और जब वही छोटी वाली सुई रेड ब्लॉक पर चली जाती है तो हमको रेड से लिखे गए रीडिंग्स को पढ़ना होता है। क्लियर है। नॉर्मली एक जब ये वाइट ब्लॉक पूरा करेगी ये छोटी वाली सुई तो 30 सेकेंड चलती है, इसका मतलब है कि एक वाइट ब्लॉक और एक रेड ब्लॉक जब छोटी वाली सुई तय करेगी उतने देर में बड़ी वाली सुई अपना दो चक्कर पूरा कर चुकी होगी, एक मिनट हो चुका होगा। लिस्ट काउंट पढ़ने की ओर चलें तो आप देख सकते हैं 30 से 31 के बीच में अगर आप देखेंगे तो 10 डिविजन्स बने हुए हैं, तो 31 - 30 दैट इज 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड कितने ब्लॉक्स में डिवाइडेड हुआ, 10 ब्लॉक में, तो 1 / 10 दैट इज 0.1 सेकेंड। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्टॉप वॉच। क्लियर है, इस तरह से इस स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट आपने पढ़ लिया। तो अब एक काम और हमने अपना फाइनल कर लिया, स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट जो था वो 0.1 सेकेंड है, ये हम जान लिए। क्लियर है। अब फाइनली हम किस पर चले, फाइनली हमें चलना चाहिए अब पहले वाले ब्लॉक को पूरा करने, या दूसरे, चलिए पहले दूसरा ही टेबल पूरा करते हैं। तो दूसरे टेबल के लिए हमें ज़रूरत किसकी है, दूसरे टेबल के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वर्नियर कैलिपर्स की, और वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करके अब हम सेटअप की ओर बढ़ते हैं और वहाँ से आगे की बात को करते हैं। आप देख लीजिए कि एक काम जरूर देखना चाहिए कि व्हील पर फ्रिक्शन मिनिमम से मिनिमम, ताकि आपका एक्सपेरिमेंट बेहतर से बेहतर हो सके। तो आप देख सकते हैं हल्का सा रोटेट कराने पर पहिया बहुत आसानी से चल रहा है, तो आप समझ चुके होंगे कि इसमें फ्रिक्शन बहुत अधिक नहीं है। एग्जामिनर आपसे इस वाइवा में कॉमन क्वेश्चन ये जरूर करना चाहता है कि इस फ्लाईव्हील का आपके दैनिक जीवन में क्या उपयोग, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी प्रयोग का महत्व तभी होता है जब आपके जीवन में उपयोगी। इसका उदाहरण अगर आप देखें तो आपको नोबेल प्राइज हिस्ट्री में आइंस्टीन को मिला हुआ नोबेल प्राइज खुद है। अगर आप देखें तो आइंस्टीन ने रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, एक नई मैकेनिक्स को जन्म दिया था जो कि क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में है।
एकदम नई मैकेनिक्स दिया, इतनी बड़ी थियरी देने के बाद भी जब नोबेल प्राइज की बात आई तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पर ना मिल करके इस पर मिला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर मिला। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आइंस्टीन की ओरिजिनल अगर आप देखें जो बुक है जिसमें ये मैकेनिक्स के बारे में उन्होंने लिखा है, जस्ट लाइक नॉवेल टाइप में उन्होंने लिखा है, अगर उस नॉवेल को पढ़े तो लगभग 150-200 पेज है, और अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि आप इंटरमीडिएट में भी पढ़ के आए होंगे उसको पढ़ेंगे तो 2 पेज है। अब 2 पेज 200 पेज पर भारी पड़ गया, क्यों भाई? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज जो था, अप्लीकेशन जो था, वो आपके जनरल लाइफ के लिए अधिक था। ऐसा नहीं है कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स यूज नहीं हो रही है, सब यूज हो रही है। जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं, सभी लोग ट्रेन में बैठे हैं ना भाई? एक बार देखिए भाई, हाथ उठवाइए, देखिए कितने लोग ट्रेन में नहीं बैठे हैं, वो हाथ उठा दे। कोई ट्रेन में नहीं बैठा ऐसा है? अब चलिए, अब मेरा एग्जाम्पल तो साथ में रहेगा। ट्रेन में आप बैठे हैं तो प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ व्यक्ति आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप? जब ट्रेन चल रही है तो आपको कौन चलता हुआ दिखाई दे रहा है? प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ व्यक्ति आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए व्यक्ति को कौन चलता हुआ दिखाई दे रहा है? आप ट्रेन चलती हुई दिखाई दे रही है, अर्थात आप चलती हुई दिखाई दे रहा है। रियली कौन चल रहा है? रियली तो ट्रेन चल रही है, इसका मतलब जो ट्रेन पर बैठे लोग हैं वह चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया, आप प्लेटफॉर्म पर है तो आपको ट्रेन चलती हुई दिखाई दे रही है, और आप ट्रेन पर बैठ गए तो आपको प्लेटफॉर्म चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारे रहस्य आप देखेंगे तो कुछ आइंस्टीन ने अपने रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में दिया। तो आपको मैं वही बता रहा था कि उपयोग जनरल लाइफ में नहीं होगा तो कोई भी एक्सपेरिमेंट सफल नहीं माना जाएगा। तो आप देखेंगे कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर मिला, बट नोबेल प्राइज की हिस्ट्री में आपको जानकर के हैरानी होगी, एकमात्र वही वाकया है जिसमें नोबेल प्राइज मिलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, बट नोबेल लेक्चर जब आइंस्टीन को देने के लिए बुलाया जाता है तो वो नोबेल लेक्चर होता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पर। मेरी जानकारी में अब तक का यह एकमात्र भी अपवाद है जिसमें पुरस्कार किसी और पर मिला और लेक्चर किसी और टॉपिक पर। तो आप समझ सकते हैं दोनों को महत्व मिला है, लेकिन नाम जब भी लिया जाएगा जो हिस्ट्री नहीं जानेगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही मान करके चलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं। तो आपने जैसा मेरी बात हो रही थी कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस फ्लाईव्हील इन आवर डेली लाइफ, कहाँ है? तो आप सभी लोग साइकिल चलाए हैं, जो साइकिल का पहिया घूम रहा रिम जो है, दैट इज द फ्लाईव्हील। वो देखिए रिम पूरी